हेलो फ्रेंड्स हिमांशु हिमांशुआया सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हाई क्वालिटी सेटअप्स हमारे प्ले थे वो, के थे वो देन वी विल डिस्कस सम साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ है उसको थोड़ा एड्रेस करने का ट्राई करेंगे एंड देन एट लास्ट वी विल डिस्कस के एक ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट करने का प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो एक ट्रेड है दैट वी विल डिस्कस राइट सो सबसे पहले तो आई एम रियली हैप्पी कि एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस सभी ट्रेडर्स में दिख रही है क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेड्स आप पोस्ट करते हो तो एक उसमें दिख रहा है कि कुछ लोग चीज़ों को अब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं दैट इज़ क्लियरली विजिबल और हमारा गोल यही है कि वी हैव टू इम्प्रूव ईच डे और आज बहुत सारे नए लोगों ने भी ये ग्रुप ज्वाइन किया है तो लेट मी मेक वन थिंग क्लियर के यहाँ पर हमारा गोल वो ज़ीरो हीरो स्कीम या जीरो हीरो कॉल्स आप ढूंढने आए हो तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन हीयर ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर ग्रुप नहीं है वी वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्रीड ऑफ ट्रेडर्स हु हैवे डिज़ायर टू लर्न मतलब पैसन फोर जो लर्निंग है उनमें खुद को इम्प्रूव करने का एक जज्बा है ईच डे कुछ ना कुछ नया सीखते रहे तो हम ऐसे ट्रेडर्स क्रिएट करना चाहते हैं एक प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट तैयार करके सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जीरो हीरो स्कीम और ज़ीरो हीरो कॉल्स ठीक है सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अगर आपको वही हिम्मत दिखानी है तो वो कुछ अच्छे सेटअप्स में दिखाओ एक अच्छे स्पेक्यूलेटर बनो ना कि गैम्बलर स्पेकुलेसर और गैम्बलिंग में बहुत ही डिफरेंस है ज़ीरो हीरो ऑप्शंस आप एक्सपायरी पे करते हो वहाँ पे करेज दिखाते हो इंस्टेड ऑफ शो करेज टू पूल द ट्रिगर ऑन ए क्वालिटी ट्रेड सेटअप शो मी द करेज टू ट्रेड योर क्वालिटी सेटअप विथ साइज सो मी द करेज टू राइड द ट्रेंड जो अच्छा ट्रेड फंसा है उसको जो पूरा ट्रेंड आप राइड करते हो उसको राइड करने की दिखा तो करेज दिखाओ दो so राइड करेज शो करो ये आप गैम्बलिंग कर, करने के लिए यहाँ पर आए हो तो दैट इज़ नॉट द पर्पज़ बिकॉज रियल ट्रेडिंग इज बोरिंग हम एक प्रोसेस के साथ काम करते हैं और उसमें हमारा गोल यही है कि हाउ कैन वी मैक्सिमाइज़ आवर फाइव स्टार सेटअप पे जो ट्रेड आते हैं उसको कैसे मैक्सिमाइज़ कर सके कहाँ पर हम ज़्यादा रिस्क लें कहाँ पर हम रिस्क लेना अवॉइड करें कब सिंगल्स डबल से काम चलाएं कब हम सिक्सर्स के लिए जाएं तो ये सब चीज़ें हम डीपली समझने का ट्राई करेंगे और उसके लिए मैंने एक वेबिनार भी प्लान किया था और मैं आज ही क्लोज़ करने वाला था उसका रजिस्ट्रेशन बट इंक्वायरीज थोड़ी पेंडिंग थी और कुछ लोगों के पेमेंट्स पेंडिंग है तो आई एम हंड्रेड परसेंट गोइंग टू क्लोज टुमारो तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कल शाम तक करवा लेना रजिस्ट्रेशन कन्फर्म क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल मतलब सीट्स बुक हो चुकी है हार्डली देर आर फ्यू सो अगर आपको करवाना है तो करवा लेना और अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे जो कहना चाहूँगा कि वीडियोस जो है आप शेयर करो अपने मतलब जो आपके नेटवर्किंग में लोग हैं उनके साथ सो यू कैन क्रिएट अ राइट नेटवर्क क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन आपकी होगी और ये भी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है तो एक राइट नेटवर्किंग डेवलप होगा जिससे आप चीज़ों को डिस्कस कर, कर पाओगे हेल्दीली ठीक है तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको अच्छे लोगों के साथ शेयर करो लाइक माइंडेड पीपल के साथ उसको शेयर करो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस की कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे थे तो उसको लाइक ज़रूर करना ठीक है सो लेटस स्टार्ट डिस्कसिंग सबसे पहले मैंने अपोलो हॉस्पिटल का एक कॉल पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर ज्वाइन करना हो तो तो उसका मैं एक मेरे थॉट प्रोसेस किया थी वो मैं शेयर करूँगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को पहले आप समझ लो कि कब ट्रेड एग्जीक्यूट करना है कैसे करना है फिर उसको ट्रेड करो क्योंकि मैं कहता कुछ वो आप समझते क्या हो मैंने क्लियरली लिखा था कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर वो कंसोलिडेशन दिखाता है देन वी विल ट्रेड वो ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुआ सो अस सी के क्या हुआ उसमें तो सबसे पहले हम अपोलो हॉस्पिटल को डिस्कस करते हैं सो so, यहाँ पर आप देखो कि अपोलो हॉस्पिटल ने प्रीवियस डे हाई को क्रॉस किया था और सुबह में और ये एक स्ट्रांग डायरेक्शनल मूव था तो माय थॉट प्रोसेस क्या था कि यहाँ पे इट वाज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट और ये नीचे जाने के बाद उसने एक स्ट्रांग बार बनाई सो so यहाँ पे मैंने डाला था कि पोस्ट किया था वहाँ पर कि एक मतलब एक ट्रेड अच्छा हो सकता है बट क्या हुआ कि देन इट फेल टू कैपिटलाइज दिस मूव ठीक है एंड इट स्टार्टेड फेसिंग रजिस्टेंस तो ये ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुआ तो आप चीज़ों को पहले समझ लो ठीक है क्योंकि वी डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अब मैं एग्जाम्पल बताऊं तो बजाज फाइनेंस किसी एक ट्रेलर को शॉर्ट रहा था तो ही कॉल मी लेट मी एक्सप्लेन ऑन चार्ट तो उनका फोन आया तो आप सबको पता है मैं उल्टा नहीं करता हूँ वेबिनार में पहले जो भी किए उसमें भी सिखाया कि उल्टा मत करो अगर आप सीधा नहीं करो उसको मैं बाय करके काम करूंगा ब्रेकआउट आता दो अगर यहाँ पे नीचे जा रहा है आई विल नॉट शॉर्ट इवन दो दिस इज एक्सपेंडिंग ऑन द अदर साइड राइट सो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वो है तो मैंने ना बोला था और टू थ्री सिक्स जीरो के आसपास ही वॉन्टेड टू शॉर्ट और वो फिर क्या है कि आ, टू फोर सिक्स जीरो के आसपास आई थिंक और फिर वो थोड़ा नीचे आया पचास साठ रुपये तो देन ही वॉज लाइक यार मेरे को शॉर्ट करना था आपने ना बोला सिब तो ट्रेडिंग में यही होता है कि वी ट्राई टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल इश्यू है ठीक है यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी सक्सेस और फेलियर के लिए जिम्मेदार आप ही हो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल ठीक है और ट्रेडिंग क्या है बहुत ही मतलब ऐसी चीज है इट विल फोर्स यू टू लुक एट योर वीकनेस जो आपके इट विल फोर्स यू टू फेस योर डायम्स मतलब आपके अंदर जो वीकनेस है जो एविल पार्ट्स है आपके वी आर ह्यूमन बींग्स हमारे में अच्छी चीज़ें भी हैं खराब चीज़ें भी हैं आप में भी मेरे भी ठीक है तो ट्रेडिंग विल फोर्स अस टू लुक एट दोज वीकनेस क्लोजली एंड टू एड्रेस दोज वीकनेस प्रॉपरली अब वो वीकनेस को हम इग्नोर करेंगे उसको प्रॉपरली एड्रेस करने का ट्राई नहीं करेंगे तो वी विल नॉट मेक अ मीनिंगफुल प्रोग्रेस एज ए ट्रेडर ये पॉसिबल ही नहीं है ठीक है साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में आपने शायद नाम सुना हो पॉल ट्यूडर जॉन्स का ही इज़ अ लेजेंडरी ट्रेडर एंड ही पेज वन मिलियन डॉलर ईच ईयर टू अगर लेजेंडरी मोटिवेशनल स्पीकर जो है टॉनी रॉबिन्स को आप थोड़ा पढ़ना तो आपको पता चलेगा तो साइकोलॉजी कितना बड़ा इश्यू है वो मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ ठीक है सो लेटेस्ट नाउ डिग इन टू समेड्स जो क्वालिटी सेटअप्स हमने आज शेयर किए थे हमारे बीबी एक्सपर्ट्स वाले ग्रुप में सो कोटक बैंक का जो ट्रेड था वो किसी ने पोस्ट किया था एंड दिस वॉज अ सुपर सेटअप तो ये ट्रेड मैंने लिया था और अच्छा ट्रेंड में उसमें राइड कर पाया बट उससे पहले आई सी आई सी बैंक का एक डिस्कसन करते हम उसमें मैंने एक स्काल्पिंग का आपको स्क्रीन शॉट भेजा था राइट तो वॉट आई वॉज थिंकिंग मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा मतलब ये जो आया स्पाइक और यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप था सो सडनली आई सो और मैंने लिया फ्यूचर नॉर्मली आई ट्रेड इन कैश बट इसमें थोड़ा साइज में काम किया और फ्यूचर लिया तो डेढ़ दो रुपये फर्क मैंने लिमिट भी उसी टाइम पे रख दी तो विद इन ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स कुछ सेवेंटीन हंड्रेड या दो हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ ठीक है तो ये प्रॉफिट हुआ था उसमें मैं स्काल्पिंग करके निकल गया देन आई सो कोटक तो ये अभी हमारे ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया हुआ था तो यहाँ पे मैंने जैसे एंट्री ली थी यहाँ पे 1380 के आसपास और सडनली देर वॉज अ स्पाइक तो आई थॉट कि इसको मैं अलाउ करूँगा बिकॉज आई सी आई सी आई में तो एक थोड़ा प्रॉफिट आ गया था मुझे सो आई वेटेड हियर एंड इट ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग और उसके लिए जैसे हमने देखा है कि एक स्क्रीन भी तैयार की है कि ये अच्छे ट्रेड्स को हम कैसे राइड कर पाए ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन हमने किया है हमारे स्क्वीज ब्रेक के लिए तो आप देखो ये जो है बहुत ही चीज़ काम की है हम डिस्कस करेंगे उस पर वेबिनार में बट इट रियली हेल्प मी टू राइड दिस ट्रेंड ठीक है फिर एक पी का कॉल था जो मैंने पोस्ट किया था तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था कि पी में एक रबर बैंड टाइप का सेटअप था आप डेली में जाके देखोगे तो यू विल सी तो यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे बिकॉज देर वॉज दिस क्वीज़ आप देखो यहाँ पे बैंडस आर कॉन्ट्रैक्टिंग टावर सी था और सुपर ट्रेड रहा इसमें भी अच्छा मतलब प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है आप रिस्क कितना ले रहे हो और आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है ठीक है तो वो हिसाब से आप प्रॉफिट बुक करो वन इंस टू टू वन इंस टू थ्री हो जाता है तो आप यू स्केल आउट मोस्टली मतलब सारी पोजिशन आप धीरे 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 स्केल आउट करते हो दैट्स वाई आई ट्रेड इन कैश फ्यूचर में वो स्केलिंग आउट पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज वी डोंट मतलब हमें फिर मल्टीपल लॉट्स में काम करना पड़ेगा ठीक है फिर मैंने एक आर बैंक का भी पोस्ट किया था उसमें भी एक रबर बैंड टाइप का डेली में सेटअप था और ये ट्रेड भी अच्छा चला बाद में सूटअप हुआ बट स्टॉपलॉस भी नहीं हुआ मैंने 132 के आसपास ही पोस्ट किया था तो ये स्टॉप लॉस ले सकते थे या ये स्टॉप लॉस भी ले लेते आप तो तीन चार रुपये का आपका स्टॉप लॉस था एंड इट वैन टू वन ठीक है सो दिस वॉज अ गुड ट्रेड गुड सेटअप देन एक एस बी आई लाइफ का किसी ने पोस्ट किया था दिस वॉज एक्सलेंट ट्रेड तो ये फ्लैग ब्रेकआउट कैसे कर रहा है कई लोगों को क्वेरीज थी तो देखो देर इज़ नो कोई मैथड नहीं है ऐसी पर्टिकुलर की इसको ऐसे ही ड्रो करो यू कैन ड्रो लाइक दिस यू कैन ड्रो लाइक दिस अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट पर भी आपने एंट्री ली होती तो ये आपका जो स्पाइक है दैट वुड हैव बिन योर स्टॉप लॉस ठीक है बट नॉर्मली वी शुड प्रीफर कि एक अच्छा कॉन्सोलीडेशन हो ठीक है जैसे मैंने अपोलो हॉस्पिटल का भी बताया आपको कि व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड हम एंट्री कब लेते कि वो प्रीवियस डे हाई को ऐसे क्रॉस करके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता एंड देन इट हैड कंसोलिडेटेड लाइक दिस तो हम एंटर होते या तो फिर यहाँ पर ये यह सूटअप हो जाता फिर क्या है कि धीरे 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 ऐसे थोड़ा रिट्रेसमेंट आता तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनती और यहाँ से एक ब्रेकआउट आता तो दैट वॉज एक पैटर्न बनती तो हम उसको ट्रेड करते माई पॉइंट इज दे लाइक सो यहाँ पर एस लाइफ में यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे और दिस वॉज सुपर फ्लैग ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं और एक अच्छा मूव आया तो यहाँ पर कौन सा स्टॉपलॉस लेना चाहिए कई लोगों को पता नहीं होता तो ये स्टॉपलॉस भी आप ले सकते हो ये भी ले सकते हो इट डिपेंड्स अपन योर रिस्क एपटाइट राइट फिर एक ट्रेड किसी ने पोस्ट किया था एस्कोर्ट का एंड ही वॉज आस्किंग के स्टॉपलॉस हो गया है तो लेट मी एक्सप्लेन दिस ट्रेड तो आपको क्या है कि पता चले कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न आप ही क्रिएट करते हो तो अब एस्कोर्ट में क्या है कि ये देखो यहाँ पर एक फ्लैट ब्रेकआउट है क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव एपोलो में आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग लाइक दिस ठीक है आप अब यहाँ पर ड्रॉ करो तो दिस इज अ फ्लैग ये एक ट्रेंड लाइन है वो फ्लैग तरह लग रही है ये फर्स्ट बेस का हो देन ये मूव देने के बाद इट कॉन्सोलिडेटेड एंड थोड़ा ऊपर गया देन अगेन इट कॉन्सोलीटेड तो दिस वॉज अ थर्ड बेज फर्स्ट फिर यहाँ से भी उसने ब्रेकआउट दिया सेकंड और यहाँ से भी उसने ब्रेकआउट दिया थर्ड और आपने एंट्री ली थी शायद यहाँ पर तो देखो एक तो स्टॉक ये एक्सटेंडेड ऑलरेडी था बिकॉज इट वॉज ब्रॉडली आउट परफॉर्मिंग द मार्केट दूसरी चीज के जब स्टॉक में ऐसा वन टू थ्री फोर बेज बन जाते हैं और थर्ड या फोर्थ बेज में आप जब एंट्री लेते हो तो रिस्क रिवॉर्ड ढंग से नहीं मिलता है ठीक है ऐसा नहीं था कि ये ट्रेड गलत है ट्रेड वॉज राइट बट चीज़ों को आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके एग्जीक्यूट करो बैंकिंग्स में डूइंग गुड तो पर बैंकिंग के स्टॉक्स में हमें आ, ट्रेड लेना चाहिए तो कॉमन सेंस थोड़ा यूज़ करो ट्रेड सेटअप वाज गुड हमारा नॉलेज भी है कि ऐसे ट्रेड हमें लेने चाहिए बट वो नॉलेज और विजडम में एक डिफरेंस होता है जैसे कहते हैं कि बा... कि टोमेटो इज़ अ फ्रूट वो एक नॉलेज हुआ बट वो टोमेटो का हमें हम फ्रूट सलाद में नहीं डाल सकते दैट इज़ विजडम तो उसको कॉमन सेंस बोलते हैं ठीक है थीके? तो थोड़ी बहुत कॉमन सेंस यूज करोगे कौन से स्टॉक में काम करें देखो डेली वी मे फाइंड तीस चालीस ब्रेकआउट या पंद्रह बीस ब्रेकआउट आएंगे बट हाई क्वालिटी कौन सा है कौन से स्टॉक्स में मतलब पर्टिकुलर सेंटीमेंट क्या है दिन का कौन सी थीम है वो सब चीज़ों को समझ के थोड़ा एग्जीक्यूट करोगे वो कोई हार्डवर्क नहीं है विथ प्रैक्टिस इट विल कम मैंने जैसे ही बताया कि सब लोग में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा अटेंशन पे करो यू विल डू अ ग्रेट थिंग ठीक है और लास्ट में ये सेशन को कंक्लूड करें उससे पहले हम एक ट्रेड डिस्कस करते हैं जस्ट डायल और ये ठीक ठाक लग रहा है इसमें थोड़ा बायस बुलिस है तो इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ माय थिंकिंग कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर अब आप ध्यान से चीज़ों को सुनना और समझने का ट्राई करना कि मैं कैसे थोड़ा प्लानिंग आपको सिखा रहा हूँ ठीक है ये रेजिस्टेंस उसने ब्रोक किया यहाँ से ये नीचे आया है ठीक है फिर क्या हुआ कि ये एक लो बना के वही रेजिस्टेंस के पास गया यहाँ पर और ये कैंडल स्टिक दिस वॉज अ क्लियर मतलब एक ब्लोआउट मूव लग रहा था वॉल्यूम के साथ वो मैं ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करूँगा और फिर क्या कि ये बैरिज कैंडल बली और यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था लास्ट मंथ पोजिशनल शॉर्ट मैंने दिया था और उसमें अच्छे पैसे भी मिले थे सभी क्लाइंट को और ऑप्शंस के भी मैंने एक स्ट्रेटजी भेजा था जो क्लाइंट्स हैं उनको बेड क्लाइंट्स को तो उसमें जिन्होंने एग्जीक्यूट किया होगा उनको अच्छा पैसा मिला होगा तो फिर क्या हो रहा है अब क्या हुआ है कि इट वेंट लाइक दिस अब क्या है कि उसने ये लो को ब्रीच नहीं किया है आप देख सकते हो हियर राइट और वापस ये रेजिस्टेंस के पास गया है तो अब उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं या तो इंट्राडे में एग्जीक्यूट करना है अब कल तो इट्सुड अब ये इंट्राडे की प्राइजेक्शन है ऐसा सोचो पाँच मिनट के चार्ट में प्रीवियस डे हाई को वो क्रॉस करेगा देन इट मे कॉन्सोलीडेट लाइक दिस सो ये रजिस्टेंस लेवल के ऊपर कहाँ पर है फोर थर्टी थर्टी फाइव के आसपास का रजिस्टेंस है इसका ये हम सपोर्ट लें फोर थर्टी टू तो फोर थर्टी थ्री के ऊपर ये थोड़ा कॉन्सोलीडेट करे ऐसे ठीक है तो वी कैन एक्सपेक्ट अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आ सकता है आज का हाई कितना है फोर ट्वेंटी एट के आसपास तो आज के हाई के ऊपर भी थोड़ा रिस्क ले सकते हो बट द ओवरऑल क्वालिटी वुड बी लेसर ऑफ द सेटअप हाई क्वालिटी तब होगी कि वो रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छा कॉन्सोलीसन दिखाए ठीक है ऑलवेज आस्क जब भी कोई ट्रेड हो सो मी द कॉन्सोलीसन मुझे कॉन्सोलीसन दिखा बाय देन आई विल एग्जीक्यूट यू ठीक है या तो फिर पाँच मिनट के चार्ट में वो एक रेजिस्टेंस ऐसे क्रॉस करे और 435 या थर्टी थ्री के आसपास ऐसा कॉन्सोलिडेशन हो तो दिस विल बी ए ग्रेट ट्रेड तो इंट्राले के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड हो सकता है सो दिस इज इंट्राले प्लानिंग नाउ पोजिशनल में अब क्या कर सकते हैं पोजिशनल में कुछ करना हो तो तो दो सीनारियों यहाँ पर है कि इट मे कॉन्सोलिडेट हीयर और अगर वीकनेस आई तो इट विल ब्रेक डाउन राइट सो दिस द फर्स्ट सिनारियो नाउ इट मे कॉन्सोलीट हीयर एंड यहाँ से सूटअप हो जाएगा देन ये ट्राई करें यहाँ पर सपोर्ट लेने का एंड देन अगेन बट माय पॉइंट कि अगर ये ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम एक दो दिन में हमें मिल सकता है अगर ये यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेशन के बाद आया तो तो वी रिक्वायर कंसोलिडेशन। इंट्राडे के लिए मैंने बता दिया कि कल ही उसने प्राइस ये क्रॉस कर लिया विदाउट एनी कॉन्सोलीडेशन लाइक दिस तो इंट्राडे के लिए हम उसको कंसिडर कर सकते हैं सो दिस इज़ द ब्रॉड प्लान और चीज़ों को ऐसे प्लान करते हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा चीज़ों को आप समझ रहे हो अब छोटी छोटी और पसंद आ रहा है वीडियो तो उसको लाइक कीजिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ठीक है थैंक यू मिलता है कल